प्रखंड स्थित इमरजेंसी हॉस्पिटल एक अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल है, जिसका संचालक एक खाब आलम और अशोक कुमार है। हॉस्पिटल में अन्नू देवी, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसकी ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, जिसके पति का नाम चंदन पासवान है और उसकी उम्र 28 साल है। ये लोग ग्राम सकरौल वार्ड 11 के रहने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैनाटाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी कराने के लिए ये लोग आए थे, लेकिन बिचौलियों के द्वारा इनको बहला फुसलाकर इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि वो नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, लेकिन कुछ देर बाद बोला कि ऑपरेशन नहीं हुआ तो मरीज नहीं बच पाएगा। ऑपरेशन करने के लिए 20,000 की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन इनके पास मात्र 4,000 रुपए थे। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने लगे और ऑपरेशन के दौरान अन्नू देवी की मौत हो गई। डॉक्टर साहब ने फोन कर एक एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस को सेटिंग कर ली, जिससे वो बेतिया ना जा सके। हॉस्पिटल प्रभारी को पता नहीं, आपको बता दें कि इस तरह के हॉस्पिटल यहाँ बहुत संचालित हैं, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही पॉपुलर अल्ट्रा टाउन के नाम पर अवैध नर्सिंग होम भी चलाए जा रहे हैं। मैनाटाड़ थाना मृतक महिला की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हॉस्पिटल पर जांच शुरू कर दी गई है। R9 भारत से मैं अनुमंडल ब्यूरो अवधेश गिरी। अभी मैं पहुंचा हूं मैनाटाड़ प्रखंड मुख्यालय। यहां पे एक ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई, जिनका नाम अनु देवी है, उम्र 20 साल है, और यहां उनके गार्जियन भी हैं। और सोचने वाली बात यह है कि मैनाटाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बगल में महज 200 मीटर उत्तर के तरफ अवैध नर्सिंग होम चल रहा है, और प्रभारी साहब को इस बात को पता भी नहीं। और CS महोदय जब से नया प्रभार लिए हैं, 3 बार मैनाटाड़ आ चुके हैं, लेकिन उनको भी बात पता नहीं है। इनके गार्जियन इनसे बात करते हैं। चाचा नाम पड़ी रहा हूँ शिव बालक पासवान। जोर से बोलिए शिव बालक पासवान। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब यहाँ पे आए, जब सरकारी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लेकर आए डिलीवरी कराए, तो फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? वहाँ से बुला के ले ली कि चलिए नॉर्मल में हम बच्चा करा देंगे। आई यहाँ ले आते हुए अशोक श्रीदेवी मिल गए ऑपरेशन कर इंतकार आ तुला। एक बात बताइए, आप लोग मतलब कि तब आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में आए हुए थे, हाँ, तो प्राइवेट में कैसे पहुँच गए? हाँ प्राइवेट में लोग बुला कर ले कि आशा जो भी यहाँ पे मैनाटाड़ में बहला फुसला के आपको लोग लाकर अपने यहाँ पर ऑपरेशन करवा दिया। हाँ, ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन करने के बाद उस लोग हम लोग को बोला कीजिए, ऑपरेशन हो रहा है, बच्चा निकल कर हम बच्चा लेकर दूसरी तरफ चले गए उसको इलाज कराने। उसके बाद वो बंद किए 2 घंटा के बाद वो हम पूछते हैं भाई का बात, हमारे पेशेंट होश नहीं आवा, तो बोलता है कि जे हम उसको अभी चलिए बेतिया लेकर चल रहे हैं, हम उसको खून का कमी है। उसके बाद वो एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस बुलाने के बाद उस पर अपने हाथ से लादा लोग और वहाँ से एम्बुलेंस वाला लेकर चला, जाकर कुछ दूर गया उधर बैसेखवा के उधर गाड़ी को रोक दिया। वो रोकने के बाद 1 घंटा पैखाना करने के लिए बहाने जाके कुछ आदमी आए थे बेतिया से, वो लोग अपने वोट के बारे में बतिया रहा था। लास्ट में मौका हुआ तो गाड़ी में से निकल कर हम उनसे बोले कि भाई का बच्चा है मरीज, हम मर रहे थे अब बतिया रहे हैं, तो आया फिर गाड़ी लेकर गया छावनी से जा करके। छावनी पहुँचा तो उसके मोबाइल पर फोन आया और बोला कि जे गाड़ी नरकटिया के रोड में लेके जाओ। तब नरकटिया के रोड में गया तो कुछ दूर आगे गया तो हम बगल अगर गाछ जब देखे तो भाई कहाँ जा रहा है तू, तो बोलता है कि जे बेतिया, बोले बेतिया नहीं है रास्ता, तो बोला कि नरकटिया का, तब हम कहा है नरकटिया के जा रहा है तू, डॉक्टर भानचूत कहाँ है, हम गाली दिया बोले उनको, तब कहता है डॉक्टर आगे है। तो उसके बाद कुछ दूर और आगे जाने के बाद तो बोलता है कि इसका ऑक्सीजन बंद हो गया, तो हम लोग देखे तो सही था, तब पहले से नहीं से मारा हुआ था, हमको बोला कर ले गया, तो अब उसके बाद कहता है आपके घर चलेंगे। तो फिर फोन उसको मोबाइल पर आता है कि जे आप उनके घर पर ले कर आइए, हम उनके घर पर हैं, डॉक्टर बोला हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से गाड़ी ऐसे घुमाया, फिर हमारे घर का लोग सब फोन पर करने लगा और पूछा कि कहाँ है, तो सही बताने नहीं देता, सब डांट कर बोले कि हमने कटिया रोड में ऐसे ऐसे, तो वहाँ से गाड़ी भागाते तो कुछ लोग हमारे घर से लोग पहुँचे पेड़ पाती गाँव के पास में, उसको गाड़ी पर लेकर आए घर पर, और घर पर वहाँ आए। उसके बाद वहाँ घर पर हंगामा हुआ, उसके बाद फिर वहाँ से लेकर हम लोग थाना में आए। थाना में आप लोग आवेदन दिए हैं क्या?
आवेदन तो आवेदन दिया था, थाना में आवेदन दिया है। हाँ क्या दिया है? वो मैंने ये सब उसका नाम लिख कर छोटा बाबू को मैंने दिया है दरखास्त कि सर इसको निर्णय किया जाए। देखिए आए दिन घटना, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो नॉन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है जिसके कारण आए दिन ये घटना हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल प्रभारी जो हेल्थ मैनेजर हैं उन लोग कोई ध्यान नहीं है कि जो अवैध नर्सिंग होम चल रहा है उसको तुरंत हम लोग बंद करें। लेकिन क्या किसी को क्या मतलब है, चल रहा है, गरीब लाचार मर रहे हैं, मरने दीजिए। आज ये मैनाटांड में आए दिन ये घटना देखने को मिल रहा है, और लेकिन हॉस्पिटल प्रभारी और सीएस महोदय को इस पर ध्यान नहीं है।